ये पुराने जमाने की भारी वाली प्रेस, नए जमाने की भारी वाली प्रेस और नए जमाने की हल्की वाली प्रेस, बहुत हल्की है। तो ऐसे प्रेसेस हम लोग अपने घर में यूज करते करते हैं और ऐसे ही सिंपल प्रेसेस मैक्सिमम लोगों के घर में होती हैं, हल्की वाली हो या फिर भारी वाली हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि यूज करते हैं पिचकारी वाली, अरे भाई मतलब स्टीम वाली प्रेस। दोस्तों जो स्टीम आयरन होती है वो नॉर्मल आयरन की तुलना में काफी ज्यादा अलग होती है और इसके अंदर की बनावट, इसके अंदर का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है किसी नॉर्मल आयरन की तुलना में। और आज के शो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे ओपन कर डालेंगे और इसके अस्थि पंजर अलग कर डालेंगे और देखेंगे भाई ये अंदर से कैसी होती है। तो वॉच इनसाइड वीडियो देखने वाले हैं। सबसे पहले प्राचीन काल के आयरन का व्हाट्स इनसाइड देखो। ये आयरन लगभग 50 साल पुरानी है और इसके अंदर यूज होता था सिंपली बस एक फिलामेंट जो कि कनेक्ट होता था स्विच से, स्विच से ही कंट्रोल होती थी आयरन। अगर बाय चांस ऑन करके भूल गए फिर आपके कपड़े का जो हाल होगा वो आपका कपड़ा ही जाने। और जो आजकल की आयरन होती हैं उनके अंदर कम से कम एक थर्मोस्टेट होता है जो कि है ये देखो लगा हुआ है, ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिक कट ऑफ भी कर देता है अधिक गर्म होने पर। और इसका हीटिंग एलिमेंट ये देखो इसी भट, तो इसका हीटिंग एलिमेंट इसी प्लेट में लगा हुआ है ना कि इस तरीके से अलग है। तो ये कंस्ट्रक्शन है हमारे आजकल की प्रेसेस का। दोस्तों ये जानना सच में बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि भाई स्टीम आयरन से स्टीम कैसे निकलती है, कैसे बनती है, कैसे पानी यहाँ से जाता है और कैसे यहाँ पे जो छेद बने इनसे निकल के आता है और भाई क्या कमाल होता है इसके अंदर। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो ऊपर का हैंडल कुछ इस तरीके से बाहर निकल आएगा। फिर हमें अलग करनी है इसकी पिचकारी वाले पाइप। तो सबसे पहले इसका हैंडल देखो, यहाँ पे इसके स्प्रे की नोजल है, इसके सामने के हिस्से में दो पंप मिल रहे हैं बिल्कुल पिचकारी जैसे, एक जो कि सामने जुड़ा हुआ था यहाँ पे और एक अंदर की तरफ गया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको इसकी पिचकारी चला के दिखाता हूँ, ये देखो किस तरीके से ये पानी निकल रहा है, बिल्कुल पिचकारी वाला सिस्टम है। अभी यहाँ पे पाइप कनेक्शन अलग करना है और ये ऊपर का हिस्सा अब अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नॉब है उसका तीन काम थे, ये देखो नो स्टीम मोड में रखना, स्टीम मोड में रखना और क्लीन करना। तो देखो जैसे मैंने स्टीम मोड पे किया ये पिस्टन अंदर की तरफ गया और यहाँ पे निकल आया, बीच वाला करने पर पिस्टन थोड़ा और अंदर चला जाता है और क्लीन मोड पे पिस्टन पूरा चला जाता है अंदर, इससे पानी यहाँ से तेजी से निकलने लगता है। और अगर इस पूरे मैकेनिज्म को ही निकाल लें तो यहाँ पे हमें मिलेंगे दो वॉशर जो कि पानी को कंट्रोल करते थे और इसके पंप भी इजीली निकल आएंगे। और इस तरीके के दो पंप यहाँ पे लगे हुए हैं, दोनों मैंने निकाल दिए। अब इस वाले सेक्शन में बचता है केवल वाटर स्टोरेज टैंक जो कि इस वाली पट्टी और इस वाले प्लास्टिक के बीच में है। और अब है ये इसका मेन हीटर वाला पार्ट जो कि होता है गर्म। तो यहाँ पे जो स्टीम वाला पाइप आता है वो आता है इस वाले होल में और जो सेल्फ क्लीन वाला नॉब का कनेक्शन है वो आता है इस वाले होल में। भाई यहाँ पे कितने ज्यादा वायर्स हैं, तो अभी आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि भाई किस तरीके से इसके अंदर भाप बन जाती है। देखो भाई जब भी हम लोग यहाँ पे बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ से पानी होके गुजरता है और जो इसकी जो प्लेट है नीचे वाली हीटिंग एलिमेंट है वो बिल्कुल अलग है, नॉर्मल प्रेस की तुलना में काफी ज्यादा अलग है। इसके अंदर बीच में खाली कंपार्टमेंट है, ये टंकी जैसा है, इसके अंदर पानी फिल हो जाता है बीचों बीच में और प्रेस के गर्म होने की वजह से भाप में बदल जाता है। और जब भी हम लोग बटन प्रेस करते हैं तो समझ लो एक इंजेक्शन की तरह अंदर प्रेशर बनता है और सारा का सारा गर्म हुआ भाप बना पानी इन होल से निकल आता है गम से एक बार में। तो चलो एक बार इसे ओपन हालत में चालू करके देखते हैं कि भाई क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोग नॉब घुमाते हैं ऊपर से, हमें नहीं मालूम चलता अंदर क्या हो रहा है, तो अब देखो हमें मालूम चल जाएगा कि अंदर क्या होता है इसे घुमाने पर। तो मैं इसे मिनिमम से हाई की तरफ ले जा रहा हूँ, देखना क्या चेंजेस आते हैं। यहाँ पे कनेक्टर भी है, ये कनेक्ट हो गया है हाई की तरफ ले जाने पर और फिर मिनिमम पे ले जाते हैं,
ये अलग हो गया है, काफी छोटा सा मार्जिन है यहाँ पे। फिर से देखो, ये देखो कनेक्ट हो गया है, अलग हो गया है। दोस्तों तो आज की इस वीडियो को लाइक जरूर से बनता है। मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। ये देखो आपको स्पार्क दिखा, ये देखो भाई अंधेरे में देखो। भाई ये वाला हिस्सा ऊपर उठ गया, ये मैंने पहली बार देखा। एक बार फिर से हिट करते हैं फुल पे और देखते हैं क्या होता है। देखना भी कैसे उठेगा ये हीटिंग पे लग गया और ये देखो। तो ये वाला पार्ट तो हो गया थर्मोस्टेट, जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। लेकिन ये क्या है, ये मेरे को समझ में नहीं आया, इसके बारे में मुझे नहीं पता। दोस्तों यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा था ये क्यों है, तो यहाँ पे मुझे लगा है यहाँ पे जो ये सिस्टम लगा है, जब ये ऊपर की तरफ उठता होगा प्रेस के गर्म होने पर, तो ये अंदर की तरफ दब जाता होगा और इसका कोई कनेक्शन वॉल से है और ये बंद हो जाता है। जब ये दबता होगा तो कुछ ना कुछ बंद जरूर होता है। यहाँ पे एक होल भी है कोने में, पता नहीं बड़ा ही जटिल मैकेनिज्म है यार। तो इसके ऊपर उठने से और इसके दबने से कुछ तो वर्क जरूर होता है, अब क्या है ये नहीं पता चल रहा। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि भाई एक स्टीम आयरन के अंदर क्या होता है, और सच में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कि मैंने भी नहीं देखी थी कि भाई एक स्टीम आयरन के अंदर ये भी कुछ हो सकता है। भाई वीडियो पसंद आने पर लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बटन जरूर से दबा देना। तो इस वीडियो में व्हाट्स इनसाइड ऑफ ये स्टीम आयरन ही।